मेरा बेटा नहीं दुखेगा, प्लीज बेटा आप तो इतना हिम्मत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी इंसान के वजह से सब कुछ हुआ है, हमारी बच्ची आज जल गई है, लेकिन इनको कोई फ्रेंड। अभी आप लोग देखिए हम लोग जा रहे हैं छनछन को पट्टी चेंज करवाने, और छनछन हाय बोलो। हाय हाय चाची लोग, कैसे हो आप, कैसी हैं? और हमको थाने पर भी जाना है क्योंकि वहाँ भी सर लोग बुलाए हैं, तो इनको ले करके जाना है, तो हम जा रहे हैं FIR, मतलब जो भी हुआ है केस वहाँ से उसका क्लोज करवाना है, और इसको जो भी है उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो आप लोग बने रहिए पूरा ब्लॉग में, और हमारी छनछन के लिए आप लोग प्रे करिए, हमारी छनछन जल्दी से ठीक हो जाए। छनछन बहुत रो रही थी सुबह को, लेकिन पापा को देख के बहुत खुश हो गई हैं, लेकिन हम आप लोग कहिए तो अभी भी हमारा दिल रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत तकलीफ़ में है। ये सब चीज़ें आप सब आप लोगों से बताएँगे, लेकिन जब अकेले रहेंगे तब बताएँगे, ऐसे सबके सामने बताने में बहुत हमको थोड़ा वो होता है। ज़रूर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का वीडियो जो है पूरा देखिएगा आप लोग, और हमारी बेटी के लिए आप लोग प्रे करिएगा कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, है ना छनछन? है तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल छनछन को लेकर के, और छनछन बिल्कुल बूढ़ी तरह निहूर के चल रही है, देखिए कैसे चल रही है छनछन, इसका दुख रहा है। गोद में भी नहीं ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि वो दुखेगा, मुड़ेगा तो दुखेगा, इसलिए तो कम से कम सीढ़िया पर ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके ले लीजिए, हाँ ऐसे ले लीजिए, ऐसे सही। तो अभी देखिए हम लोग लेके जा रहे हैं छनछन को हॉस्पिटल में, आए थे फिल्म सिटी पर, तो फिल्म सिटी पर से सारे लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली दोस्तों हम लोग छनछन को लेके आ गए हैं सत्यम नर्सिंग होम, तो वहाँ पे मतलब उसका पट्टी जो हुआ है उसको चेंज हम लोग करवाएंगे, और देखते हैं मतलब जो जलन हुआ था वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, छनछन है जो कि यही सब डॉक्टर मतलब है सब, पट्टी चेंज होगा तो अभी हम लोग चेंज करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है छनछन को। तो अभी मतलब हम जो घाव लगा है तो अभी आप लोग को दिखाते हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप लोग मतलब बोलते हैं कि मजाक हम लोग कर रहे हैं, मजाक नहीं है दोस्तों, देखिए रोने लगी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रोने लगी छनछन, खुला रहा है कुछ हो नहीं रहा, देखिए बेटा केवल पट्टी खुला रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो देखिए दोस्तों यहाँ भाभी बहुत डर गई हैं, तो देखिए दोस्तों उसका इलाज हो रहा है, और छनछन बहुत ज्यादा रो रही है, और भाभी एकदम डर गई हैं। तो अभी दोस्तों पट्टी चेंज होने जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड, देखिए अभी हम लोग घर आ गए, और आज हमारे छनछन का मैं पेट देख के बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। रोवा ना, छुपा जा, बस आई हो जाए, दवाई खाई नहीं है ना। तो आपको हम क्या बताएं, आज हमारे छनछन का हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, क्योंकि आज दूसरा बार ड्रेसिंग इसका हुआ है, और इसका हम हॉस्पिटल हम लोग ले करके गए थे, वहाँ पे हम तो फोटो में देखे थे, रियल में तो देखे नहीं थे इसको, और फोटो में देखे थे हम, फोटो में उतना नहीं जैसा लग रहा था, लेकिन आज जब रियल में देखे ना तो वहां से हम भाग चले हैं, क्योंकि हम देख ही नहीं पाए, बहुत खतरनाक था। जो ये पेट है ना, ये पेट इतना दूर का पूरा, इतना दूर का चमड़ी एकदम साफ है, बिल्कुल रेड एकदम पूरा, इतना दूर का चमड़ी जो है एकदम साफ है, खत्म है ये नहीं है। जब हमारा बाबू तक गोर दस चुप हो जाए, पर तो डॉक्टर इसको बोली है कि ये पैर इसका
पैर सीधा करके रखने के लिए और इसको अनार वगैरह खिलाने के लिए, किशमिश खिलाने के लिए, अनार नहीं खाती है। लाए हैं तो कह रही मम्मा हम अनार नहीं खाएंगे और इसको किशमिश खिला रहे किसी तरह से, एक तो खा रही है और क्या बोलते हैं सिरप तो एकदम पी नहीं रही है। सिरप जो वहाँ पर लेके गए थे हम लोग, सिरप वो पी ही नहीं रही है। तो आज इसके लिए दवाई फिर दूसरा चेंज हुआ है, दूसरा दवा लिया आया है और आज इसका ड्रेसिंग फिर परसों डॉक्टर बुलाई है इसको चेकअप के लिए, फिर इसका ड्रेसिंग होगा। तो आप लोग ना मर बेटा रो दो तो करे जो फाट जाता, प्लीज ना बेटा प्लीज मत रो अमर बाबू, अमर बाबू चुपा दे ना, ठीक बा ना जाइए, आज वो थोड़ी जाएगा, चार दिन के बाद जाएगा जब सही। चुप हो जा मर बेटा, चुप हो जा मर बाबू, तू आज समरे लगे सुतिया ठीक, आज से मम्मा आपका ख्याल रखिएगा ना, हम रहला तो नहीं जरतू तू, तू कहा चल गए चावा आने बेटा, अब ऐसा गलती नहीं कर सुता है, गोड़ पसारा है, गोड़ पसारा तो लगे पानी में कोई नहीं चाहिए, यही पानी हम खिया था तू अपना तू ना खा, हला मोबाइल देखा कर, हला मोबाइल देखा कर। तो फ्रेंड अब आपसे बस यह कह सका था कि आप लोग मैं बेटी खातिर प्रार्थना करी प्रे करी कि जल्दी से ठीक हो जाए, इनका घाव जल्दी से ठीक हो जाए, कहे से इतना छोटी बच्ची इतना बड़ा घाव सही कर दिन तैयार ना रही है कि इतना जल्द मतलब खतरनाक है कि घाव मतलब यानी कि इतना भयानक। तो वीडियो में हम आपको इसलिए नहीं दिखाए हैं कि यूट्यूब की तरफ से बच्चा सिक्योरिटी वाला स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए हम बच्चे का घाव नहीं दिखा सकते, यूट्यूब गलत समझ लेगा। और आप लोग को बने रहिए किसके वजह से हुआ है, हम मिलवाते हैं चल के अंदर। तो फ्रेंड चलते हैं मिलवाते हैं आपके भैया से, जो कि हम बहुत नाराज हैं उनसे, हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हैं, हम कहना चाहते हैं इसी इंसान के वजह से सब कुछ हुआ है, हमारी बच्ची आज जल गई है, लेकिन इनको कोई शर्म लाज नहीं है, सब शर्म लाज घोर के पी गए हैं, कुछ नहीं है, कुछ शर्म लाज नहीं है। अरे देखिए कैसे खा रहा है गबर गबर इंसान, जैसे लग रहा है कि कभी खाया ही नहीं है, बता दे रहा है कसम से कह रहे हैं ना, हमारा कलेजा एकदम रो रहा है, आत्मा रो रहा है, लेकिन वीडियो में अब रोएंगे नहीं क्योंकि रोने वाला वीडियो लोग कौन है, नाटक कर रही है, नाटक मत करो, चलो आप यहाँ से बोरे संभाले। तो फ्रेंड हम इसलिए इनको इतना ढूंढ रहे थे, हम आपको बता दें कि इतना ज्यादा पागल होकर के जानते काहे ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमसे झगड़ा हुआ था इंसान, हमसे झगड़ा करके गए थे और आ गए घर, हमारी जिम्मेदारी खत्म, ये अलग रास्ते हम अलग रास्ते, ठीक है ठीक है, आपका हम बता देते हैं आप लोगों से, इनका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, हम अपने तीन बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इंसान जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत है। वो तो दुनिया जानता है कौन कितना चिल्लाता है क्या करता है, दुनिया जानता है, आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है।